तो भाई लोगों अभी आ गए अंदर और बिल्कुल सेम ही है यार, दो दिन पहले का सफ़र और आज का सफ़र सेम ही लग रहा है। दो दिन पहले आए गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मैं जाने वाला हूँ हवाई अड्डा रेस्टोरेंट में, तो जो कि बहुत फेमस और बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम तो नहीं जा सका क्योंकि, और अभी जा रहा हूँ मैं, यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं, अभी हम हो गए हैं रेडी भी हो गए और गाड़ी उड़ी हमारी सब रेडी हो गई। हमारे साथ जा रहा है उस्मान, गाड़ी हमारी रेडी हो गई है, सामान उमान सब रख लिया हमने, तो चलते हैं। गाड़ी अभी सही चल रही है, कल लेके गए थे जैसे अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि मैं गया था एजेंसी से लेके, वहाँ काम तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, बस चेक करा ली थी, बस सही थी। और अभी हम यहाँ से चलते हैं, रेडी भी हो गए और इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आप लोगों को पूरा रेस्टोरेंट घुमाऊंगा। असली वाली फ़्लाइट में तो मैं घूम लिया, रेस्टोरेंट बना हुआ है वहाँ पर, पूरी फ़्लाइट जैसा रखा हुआ है, तो कम से कम लगेगा हमें एक घंटा तो लगेगा ही। तो चलते हैं लास्ट। पूरा देखो, हेलमेट उलमेट लगा लिया, पूरी सेफ्टी से चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, गाड़ी पर चलते हुए पूरे सेफ रहना चाहिए, पूरी सेफ्टी से चलना चाहिए। तो फाइनली गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूं उस जगह पे जहां पे हम आए हुए थे, हवाई अड्डा रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अभी मैं आ गया हूं, ये देखो ये फ्रेम लग रहा है हवाई, वेलकम टू हवाई अड्डा। और इधर है ये पार्किंग, पार्किंग भी मतलब सही बना हुई है, सब गाड़ियाँ बाइक सब चीज़ लग सकती है। और आगे जाके मतलब ये टिकट घर है, और इधर मतलब ये पूरा अभी काम भी चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है, यहाँ भी बहुत अच्छा है। और अभी हम चलेंगे इसके अंदर और इसके अंदर जाके देखेंगे हम क्या क्या है। आज मैं पूरा प्रॉपर तरीके से मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा ये कैसा है पूरा अंदर, क्या क्या इसके एक्टिविटी है, अब मैं इसके अंदर जाके पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरे साथ लास्ट तक इस ब्लॉग में बने रहें और मैं आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, तो आप आ जाएं। ये लिखा हुआ था बाओ हवाई अड्डा रेस्टोरेंट, दो टिकट के साथ एक एंट्री फ्री यहाँ पे ये लोग दे रहे थे। दिवाली का ऑफर चल रहा था इसलिए दो जनों के साथ एक जना फ्री जा रहा था। फिर हमने यहाँ से पकड़े दो टिकट, हमने 50-50 रुपए के दो टिकट पकड़े। जैसे एंटर करोगे इसमें हवाई अड्डे में, जैसे एंटर करोगे तो ये है वाटर पार्क। वाटर पार्क मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये बना हुआ है। अभी तो ये चालू नहीं है, अभी चालू नहीं कर रखा क्योंकि ठंड का टाइम हो रहेगा और शाम का टाइम हो रहा है, तो इसलिए चालू नहीं कर रखा। और यहाँ से अपने कपड़े उपड़े उतारो और ये है लॉकर, ये लॉकरों में रख दो। यहाँ पे बिल्कुल सेड़ा बना हुआ है, आओ मैं आगे चल के आपको लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया है, मतलब काफ़ी बड़ी जगह में ये बना हुआ है, और मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये वाटर पार्क जो है इधर की साइड में, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। देखो कितना बड़ा है, उधर से देखो आप, उधर से देखो, फिर इधर को इधर तक देखो कितना बड़ा है। और पीछे मेरे फ्लाइट दिख रही होगी, मेरे पीछे जो फ्लाइट है ना, बिल्कुल यार सेम रियल ऐसे ही है, ओरिजिनल फ्लाइट भी ऐसी है और ये भी मतलब बिल्कुल सेम दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रही है। कमेंट करके बताना आप कौन कौन बैठे हो, कौन कौन फ्लाइट में सफ़र किया है, किस किस ने किया है, तो कमेंट करके बताना। बिल्कुल सेम ओरिजिनल लग रही है ना, तो देखो काफ़ी बढ़िया, मतलब एयर इंडिया की फ़्लाइट है। जो मेरा पिछला ब्लॉग आपने दो दिन पहले का ब्लॉग देखा होगा, मैं एयर इंडिया से दुबई से इंडिया आया था, दिल्ली आया था, बिल्कुल सेम फ्लाइट में, और सेम फ्लाइट इन्होंने यहाँ पर बनाई है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत इन्होंने बना रखा है ये रेस्टोरेंट, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भी आ चुकी है। यहाँ पे एंटर करते ही ये लिखा हुआ आ गया आई लव हवाई अड्डा। जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करते हुए ये दिखेगा पानी का फुहारा, ये देखो पानी का फुहारा कितना मस्त लग रहा है। फ्लाइट के जस्ट सामने फुहारा लगा हुआ है और पीछे है फ्लाइट, फ्लाइट का काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, व्यू दिख रहा है। तो ये देखो मैं अभी अंदर लेके चलता हूँ, मतलब फ्लाइट के अंदर भी लेके जाएंगे। और ये पार्क जो बना हुआ है सब, और यहाँ पे सब बच्चे उच्चे सब झूला झूल रहे हैं। फ्लाइट के पास में इन्होंने काफ़ी सारे फ़ोटो लेने के सिस्टम इन्होंने बना रखे हैं, ये देख रहे हो भालू भाई सबको लगा रखा है, ये भी बना रखे हैं जी। ये क्या है यार, पत्थर के सब चीज़ पत्थर की बना रखी है, मतलब स्टील की। स्पाइडरमैन बच्चों के बहुत ही ज़्यादा पसंद, स्पाइडरमैन भी बना रखे हैं। अभी खड़ा हूँ मैं बिल्कुल फ्लाइट की पंखड़ी के नीचे, जैसे एयरपोर्ट के नीचे खड़े होते हैं ना, वैसे ये हवाई अड्डे के नीचे खड़े हैं, मतलब फ़्लाइट के बिल्कुल जस्ट नीचे। अभी मैं इसके टायर चेक कराता हूँ, आपके टायर ये काहे गए हैं, मतलब लोहे गए हैं, ये क्या है, मतलब टायर तो भाई ओरिजिनल है, और ताकि घूम भी रहे, देखो आप घुमा रहे हो तो ये घूम भी रहे, कोई आदमी घुमाएगा, और बिल्कुल रियल है यार। आगे वाले टायर, आगे वाले टायर देख रहे हो, बिल्कुल रियल है, इनसे टिक ऑफ करता है।
जब उतरता है तो पहले पिछले वाले पहिए नीचे आते हैं, फिर जब उड़ता है तो सबसे पहले ये पहिए ऊपर जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल मतलब पहिए तो बिल्कुल रियल ही हैं, पहिए तो बिल्कुल सेम कर दिए इन्होंने। और इधर है हाथी महाराज, इधर देख रहे हो हाथी महाराज की भी इन्होंने तस्वीर बना रखी है। अभी चलेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर जाने के लिए जीना बना रखा है तो इसके ऊपर भी चलेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप अंदर आओगे तो टिकट एक लेना पड़ेगा, मतलब इसमें घूमने के लिए 50 रुपये का टिकट, वो अलग है। अगर आप प्लेन के अंदर जाओगे तो उसका टिकट है 100 रुपये का, 100 रुपये का। तो अभी है हम हैं दो जने, तो दो जने के हमने ले लिए, दो टिकट हमने ले लिए, ये देने हैं हमें ऊपर। तो आए अभी चलने भैया हम ऊपर फ्लाइट के अंदर। ये देख रहो बिल्कुल सेम, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है यार, बिल्कुल सेम फ्लाइट। बस सामान रखने का ना, क्योंकि बस ये उड़ेगी ना इसलिए सामान रखने का ना है, ना तो सामान रखने का भी दे देते। बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम। दो दिन पहले का सफ़र और आज का सफ़र सेम ही लग रहा है। दो दिन पहले आए फ्लाइट से तो भी ऐसे ही है, और आज का भी सफ़र ऐसे ही है। ये देख लो बाहर का माहौल, बाहर का माहौल शीशे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा साफ दिखता। और ये है टेबलें सी लगी हुई हैं, सेम फ्लाइट के रेट कर दिए, 200 रुपये से कुछ भी नीचे को नहीं है। देख रहे हो सेम फ्लाइट के रेट हैं भाई, और हर जगह का खाना मिल जाएगा इन्हें, हर कंट्री का। तो बिल्कुल फ्लाइट जैसा हिसाब कर दिया, जैसे फ्लाइट में हर तरीके का खाना और हर कंट्री का खाना मिलता है ना, वैसे ही इन्होंने इस फ्लाइट में कर दिया। भाईजान ले आए हमारे पास सूप, ओ माई गॉड सूप यार। भाईजान बिल्कुल सेम फ्लाइट की फील आ रही है यार सच। चलो हमारा सूप आ गया है, अब सूप पीते हैं, सूप ट्राई करके बताते हैं आप लोगों को कैसा है। बेस्ट, मज़ा आ गया भाई। कैसा भाई? मस्त है। और ये हमें मिले हैं फ्री में सेब, और पानी हमें फ्री में मिला है। चलो फिर सूप पी के मिलते हैं आप लोगों से। खाना पीना हो गया हमारा, खाना पीना क्या सूप ही पिया है हमने, अभी चलते हैं, पैसे वैसे दे दिए। थैंक यू सो मच। बोर्डिंग पास देना भाईजान। आ गए हम अभी बाहर, बिल्कुल सेम फील। लाइट जलने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बहुत अच्छा है यार, मन जो है ना बहुत ही अच्छा बनाया। और कोई फ्लाइट में नहीं बैठना चाहे तो ये इन्होंने इधर रेस्टोरेंट बना रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा बनाया, यहाँ भी बैठ सकते हो आप, तो उधर भी बैठ सकते हो और इधर भी बैठ सकते हो, मतलब दोनों जगह पर ये बना रखा है। ये देखो पूरा अंदर से एक, मतलब फ़्लाइट में तो आप बैठ ही सकते हो और यहाँ भी आके बैठ सकते हो, क्योंकि फ़्लाइट में नहीं हो सकता तो यहाँ पर तो हो सकता है कम से कम। जिस आदमी को फ़्लाइट का मतलब टिकट उसका होता है 100 रुपये का टिकट होता है, अगर उसमें नहीं बैठना चाहो तो आप यहाँ पे आके रेस्टोरेंट में बैठ सकते हो। और उसके बाद ये ऑफिस है, और फिर उसके बाद जो है पार्टी हॉल, ये है पार्टी हॉल, इसके अंदर आप पार्टी भी कर सकते हो, पूरी फैमिली भी ला सकते हो, पार्टी केक वेक बर्थडे कुछ भी, मतलब ये है पार्टी हॉल है, ये पार्टी मॉल यहाँ पे ये इन्होंने बना रखा है। कार उसमें नहीं बैठना चाहे और यहाँ बैठे तो वो भी बहुत। इधर को इन्होंने ये बैठने के लिए चेयर डाल दी, और काफ़ी लाइटिंग रात में मतलब काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये देखो ये बच्चों के लिए इन्होंने ये बनाया है एक्टिविटी करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आ गए। और ये है मतलब जो भी है टिक्की विक्की ये सब है यहाँ पे, मतलब स्पाइसी सामान इधर मिलेगा। तो देखो वीडियो बनाने के लिए भी ये मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आप मोबाइल लगा के अपनी वीडियो भी बना सकते हो। तो यह गाना लगाओ, वीडियो लगाओ, जो भी बनानी है ये भी बनाओ अपनी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते। यहाँ पर पड़ी हुई है चेयर है, देखो काफ़ी पड़ी हुई है। और यहाँ पर मिलेंगे देखो मोमो मिलेंगे, बर्गर टिक्की ये सभी सामान इधर मिलेगा। और ये मिलेगी चाउमीन डोसा, ये सब इधर मिलेंगे, चाय कॉफ़ी ये सब फल फ्रूट सब इधर मिलेंगे। चेयर पड़ी है, यहाँ से आप सामान खरीदो और यहाँ पे बैठ के शुरू कर दो। ये है पूरा हवाई अड्डे का व्यू है, और रात में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई। आप इसे रेट करना कि आप 100 में से कितने रेट करोगे। हवाई अड्डा काफ़ी अच्छा है, मतलब रात के माहौल में तो काफ़ी अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताओ आपको ये कैसा लगा। सभी आ चुके हैं हम बाहर, और पूरा घूम लिए हैं हवाई अड्डा रेस्टोरेंट पूरा घूम लिए, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा वीडियो में, मैंने आप लोगों को सभी चीज़ दिखाई और सभी चीज़ कवर करने की कोशिश करी, सब चीज़ दिखा के अभी आ चुके हैं हम बाहर।
क्योंकि अभी जा रहे हैं घर के टाइम, क्योंकि टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, रात के 7 बज गए और हम सुबह आए थे, मतलब यहाँ पे 12-1 बजे आ गए थे। उस टाइम पे तो हमने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि रात का माहौल ज़्यादा अच्छा होता है, तो रात की वीडियो बनाई है। तो अभी जा रहे हैं हम घर की तरफ। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा बनाया, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। तो अभी चलते हैं हम घर, सर लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा, तो चलते हैं। फाइनली गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ घर, और ये कम से कम 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ घर, और मैंने आपको पूरा हवाई अड्डा रेस्टोरेंट का टूर कराया। इस ब्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नया ब्लॉग होने वाला है, तो उसे मिस ना करें। मिलते हैं कल। ओके बाय।